अगले कॉलर हैं करनाल से, हरिओम शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है। वालेकुम सलाम हकीम साहब को। जी आदाब। जनाब मेरे एक चाचा जी हैं, उनको शुगर है काफी दिनों से, वो बड़ा इलाज कर चुके हैं। तो मैंने ये अपना मंगाया था सिर का, इसका जैतून का। जी जी तो मैंने आपसे प्रोग्राम में देखा था जैतून का सिरका। तो उसके लिए मतलब कैसे लेना है, या वाजिब दवा है या फिर मतलब कोई और दवा लेना। ठीक है, तो देखिए जो भी दवा लेते हैं वो ज़रूर लें, ये उसका अल्टरनेट नहीं है, लेकिन ये आपकी डायबिटीज़ को कुछ कम रखता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये करता है कि डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की दवाएं, क्योंकि ज़िंदगी भर खानी है, उससे जो नुकसानात हमारे बॉडी को होते हैं वो नहीं होने देते। और खाने का तरीका ये है, सुबह 3 चम्मच नाश्ते के बाद या खाने के बाद पानी में मिला कर ही लें, या अपने सब्ज़ी सालन में मिला लें तो ज़ायकेदार हो जाता है सब्ज़ी सालन। और रात को सोते समय भी आप इसी तरह ले सकते हैं 2 बार, तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज़ ज़रूरत के मुताबिक आने लगी। इसे साथ में लें और वो दवा भी ना छोड़ें। और डायबिटिक आदमी को 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए, यानी जैसे 4 रोटी की खुराक हो तो 2 रोटी खा के छोड़ दें, चाहे 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, और फिर 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, लेकिन खुराक तो आपकी पूरी हो जाएगी। और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, धूप में चलना बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ ऐसी रहे जैसे नॉर्मल लोगों की, तो आप ये सब अमल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी अगले कॉलर हैं होशंगाबाद से, श्रीराम मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है। आदाब। मैडम मेरे को बीपी और शुगर है, तो इससे मेरे को इम्यूनिटी पावर कम है मेरा। इसका उपचार कोई हल बताएं। उम्र क्या है आपकी? 47। बीपी और शुगर है। जी बीपी शुगर। अच्छा देखिए, बीपी और शुगर का इलाज बड़ा अच्छा है, अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। देखिए एक आता है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका 1 लीटर लें और अपने घर पर नींबू का रस 1 लीटर निकालें, अदरक का रस 1 लीटर निकालें और लहसुन का रस 1 लीटर निकालें और ये जैतून का सिरका 1 लीटर उसमें मिला दें। ये बीपी वालों के लिए, शुगर वालों के लिए और हार्ट ब्लॉकेज, जिससे हमारे दिल की रगों में चर्बी भर जाने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, फालिज वालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके 3-3 या 4-4 चम्मच सुबह शाम पिया करें और थोड़ा लंबा टाइम पीना पड़ेगा, आपका बीपी तो आपकी ज़रूरत की तरह आ जाएगा, दवाएं भी छूट सकती हैं आपकी बीपी की। और शुगर के लिए आप इसे लेते रहें, शुगर को बड़ा कंट्रोल करता है, पेट को बहुत फ़ायदा करता है। और किसी को हार्ट ब्लॉकेज है या फालिज हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, वो लोग ज़रूर लें। ये उस चर्बी को ढूंढ कर निकाल देता है जो हमारे दिमाग में फंस जाती है, जिसकी वजह से हम फालिज ज़दा हो जाते हैं। जी अगले कॉलर हैं बलविंदर जी हरियाणा से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैंने एलोवेरा का सिरका मंगाया था, तो मुझे उससे तो काफी आराम लगा है। परेशानी क्या थी आपको? परेशानी मुझे जख्म थे बच्चे जाने में, डेट ज्यादा आती थी। तो अब मैं ना ईसबगोल ले रही हूँ, लेकिन उसमें फायदा नहीं हुआ मुझे सब वाइट डिस्चार्ज में, उसको ईसबगोल से मुझे और ज्यादा होने लगा वाइट डिस्चार्ज,
एक महीना हो गया मुझे लेते हुए। ठीक है। हाँ, एलोवेरा का सिरका तो आप लेती रहें, आपको बहुत फ़ायदा हो गया। और अब आप एक नुस्खा बना लें चाहें तो। देखिए, ये आती है लाजवंती। लाजवंती उसको कहते हैं जो एक बारीक बारीक दाने होते हैं और वो पेड़ उसको छूते हैं तो उसके पत्ते एकदम मुरझा जाते हैं, इसको लाजवंती कहते हैं। उसके बीज मिलते हैं, लाजवंती 100 ग्राम ले लें, लाजवंती के बीज 100 ग्राम, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना सफ़ेद वाला लेना, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, इन सबको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच या तो ऐसी खा लें या पानी में मिला के खा लें या दूध में मिला के ले सकते हैं, इससे आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, मुंबई से नेक्स्ट कॉलर हैं शिवाजी, स्वागत है आपका। जी बताइए, सवाल करिए। सवाल ये है कि मेरे को घरेलू नुस्खा बता दो, मेरे लीवर फैटी है। उम्र क्या है आपकी? 66। ठीक है। देखिए, फैटी लीवर के लिए सबसे ज़रूरी है कि एनिमल फैट और चर्बी का खाना बंद कर दें। अगर सिर्फ ये भी बंद कर दें तो फैटी लीवर का ठीक होना मुमकिन है, और बाज़ार का खाना तो बिल्कुल ही बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए नुस्खे भी हैं, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे एलोवेरा का सिरका, बहुत सारे सिरके आते हैं लेकिन एलोवेरा का सिरका मुश्किल से मिलता है। 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के सुबह और शाम 2 बार पिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मुंबई से ही नेक्स्ट कॉलर हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हेलो जी मैम, बताइए, प्रश्न करिए अपना। मेरा प्रश्न अभी ये है, फिलहाल मेरे पेशाब की जगह ना बहुत ही आगाज हो रही है, मैंने सब दवाई कर ली, कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। आपको दर्द है? जलन हो रही है, अंदर बैठ नहीं सक रही हूँ। जलन पेट में है क्या? पेशाब की जगह है। ठीक है ठीक है, यूरिन में। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 46 है। ठीक है। तो देखिए, एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, इसमें नकली बहुत मिलते हैं। गौंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला यानी वाइट वाला ले लीजिए और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, ये रॉ मटेरियल मिलता है और सफ़ेद वाला ही लेना है, 1 गिलास पानी में 1 ग्राम मिलाकर रोज़ाना 1 बार, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार, और दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर आप ये कुछ हफ्ते लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अम्बाला से तारावती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार, डॉक्टर साहब से बात कराई। बात कीजिए जी। आदाब तारावती जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक तो मेरे कान के नहीं सुनाई देता और एक दिमाग नहीं काम करता, चीजें रख रख भूल जाती हूँ, और एक मेरे पेट ना खब्बे पासे भारी रहता है। पहले दिक्कत हो रही थी कुछ छाले छुले की पेट में, वो ठीक हो गए थे, ब्लड कम हो गया था, फिर ब्लड चढ़वाया तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर कम हो गया, फिर वो छाले की शिकायत आई, डॉक्टर ने दवाई लिखी, फिर ठीक हो गया, ब्लड 8 ग्राम पहुंच गया था। फिर अब टेस्ट कराया ना ये पेट भारी एक्सरसाइज से, 8 ग्राम में 2 पॉइंट कम हो गया। डॉक्टर साहब कोई ऐसा निकल क्यों भी जो ठीक हो जाए। आपकी आयु कितनी है मैम? हाँ जी 65 साल। 65 साल। हाँ जी। अच्छा देखिए, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, वरना 8 पॉइंट में भी 2 पॉइंट जिसका कम हो जाए वो तो मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो आप अपनी रिपोर्ट अगर हमसे शेयर कर लेना तो हम बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी नुस्खा तो बताना ही है आपको, लेकिन अगर आप
हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद लें तो काफ़ी मदद मिल सकती है। अच्छा देखिए, यह आता है आपका जैतून का सिरका। जैतून का सिरका लीजिए, 3 चम्मच एक गिलास में डालिए पानी में, और इसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाइए। थोड़ा सब्र करिए, ये उसमें मिक्स हो जाएगी। तो इसको रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिया करें, आपके ये सारे रोग का फ़ायदा होना मुमकिन है जी। तो यानी कि इस नुस्खे से इनकी जो याददाश्त है और जो कान इनसे कम सुनाई देता है वो भी ठीक हो जाएगा हकीम साहब? देखिए, अभी तो इनका ब्लड पूरा होना, लीवर ठीक होना और छाले ठीक होना ज़रूरी है जी। ये ठीक होने से ही पता चलेगा कि क्या इनकी वजह से ये हो रहा है या कुछ और भी इलाज देना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये उस जगह पर हैं जहाँ पर कभी भी इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8 पॉइंट से भी कह रहे हैं 2 पॉइंट कम हो गया, यानी 6 ग्राम अगर रह गया है तो कोई भी आदमी कभी भी कोमे में चला जा सकता है, बेहोश हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो तारावती जी आपसे एक बार कहना चाहूँगी कि आप ना हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल कर लीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप अपनी सारी रिपोर्ट्स हमारे साथ साझा कर लीजिएगा, क्योंकि परेशानी वाकई में आपकी बहुत बड़ी है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ी घटना का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। आशा मिश्रा हैं होशंगाबाद से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आप अपनी पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी जी मैडम, आप सवाल करिए अपना। मेरे को थायराइड है, शुगर है, बीपी है। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 35। ठीक है, देखिए बहुत कम उम्र में ये तीनों रोग हो गए आपको। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप मेरी बात खूब गौर से सुनिए। देखिए, कुछ रोग तो आपके पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और कुछ रोग आपके साथ चलेंगे ज़िंदगी भर। तो बीपी और थायराइड, ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। थायराइड के लिए आप सबसे पहले दवा लें, जो दवा ले रहे हैं वो भी लेते रहें, लेकिन थायराइड का इलाज अगर हम 6-7 महीने लगातार करें तो थायराइड से निजात मिल सकती है। एक घरेलू नुस्खा है, आप खुद बना लें, और उसके लिए आपको लेना है धनिया। धनिया जो दाना, धनिया का दाना जो किचन में रहता है, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, ये सब धनिया का दाना, मेथी का दाना और आंवला सूखा मिलता है वो, और गोंद, सफ़ेद मोरिंगा, याद रखें गोंद मोरिंगा आता है उसमें भी सफ़ेद रंग का, एक लाल आता है वो मत लीजिए, वो नकली होता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम, खाली पेट सुबह जो गोली खाते हैं आप थायराइड की उसके साथ और रात को सोते समय, तो इससे अगर आप 6-7 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो गोली भी छूट जानी चाहिए जो आप खाते हैं, और ये दवा भी छूट जानी चाहिए, लेकिन वो दवा खाते रहें और हर 2 महीने में आपके डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करते करते ख़त्म कर देंगे, और ये नुस्खा भी ख़त्म हो जाना चाहिए 6-7-8 महीने में। अब बचे आपके थायराइड का, तो मैंने बता दिया आपका बीपी शुगर और शुगर, इन दोनों के लिए एक इलाज है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर पीजिए, छोटे चाय के चम्मच, इससे शुगर भी कंट्रोल रहेगी, लेकिन शुगर की दवा आपको खानी होगी। और ब्लड प्रेशर से आपको निजात मिल सकती है, लेकिन इसमें 6-7 महीने चाहिए, अगर आप इलाज कर सकते हैं तो जारी करिए और आपको फ़ायदा मुमकिन है।